तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो हिंदी के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, जी हाँ बच्चों, MCQ आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो बुक है उसके अंदर से मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। वैसे मैंने जो सैंपल पेपर्स करवाए हैं उसके अंदर भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर MCQ लाइए MCQ लाइए, तो एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कल के पेपर के अंदर आपके डिट्टो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इनके इन क्वेश्चंस के। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेगा, और अगर आपको चाहिए कि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहे, मतलब आप चाहते हैं इस तरह का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटिया घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए क्रम में सूचनाएं देने को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, जिसके अंदर जो हमारा समाचार होता है, न्यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको सबसे टॉप पर रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पर, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट तीसरे नंबर पर, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट चौथे नंबर पर, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपका वो न्यूज यहाँ पर एंड नहीं हो जाता। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है। तो फ्रीलांसर पत्रकार वह होता है जो स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बता रखा है कि पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं, फ्रीलांसर होता है, एक पूर्णकालिक होता है, एक अंशकालिक होता है। ठीक है, पूर्णकालिक मतलब परमानेंट, आपको उसको एक वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, उस पर वो काम करता है। अंशकालिक मतलब होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए वो काम करता है, और स्वतंत्र पत्रकार मतलब बिल्कुल फ्री होता है वो, जैसे कि आप यहाँ नाम से ही देख सकते हैं फ्रीलांसर, मतलब फ्री है वो, जहां मर्जी वहां काम करेगा, जितना पैसा मिलेगा उसके आधार पर। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होता है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं। सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि किसी भी विभाग के कामकाज पर नजर रखना और घोटाले या जो है सो की गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, ये वाला जो पत्रकारिता होता है ये वॉच डॉग पत्रकारिता होता है। कोई भी विभाग होता है, एजेंसी होता है, उस पर नजर रखता है कि भैया ये काम कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, तो इस पर पूरा नजर उजर रखता है और उसका गड़बड़ी को पर्दाफाश करता है, ये हमारा वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहराई से छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ऐसा रिपोर्ट जिसके अंदर जो फैक्ट्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो यहाँ पर डेटा होता है उसका बिल्कुल गहराई से छानबीन करते हैं, वो रिपोर्ट क्या कहलाता है, तो वो हमारा इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर एक सेकेंड, ओके, पांचवा क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए किसकी व्यवस्था होती है। तो एक अलग डेस्क की व्यवस्था होती है समाचार पत्रों में, एक अलग डेस्क दे दिया जाता है जहां पर एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स के ऊपर लिख दिया यहाँ पर, या फिर इकोनॉमी के ऊपर लिख दिया, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, एक विशेष डेस्क बना देते हैं जहां पर विशेष एक ही क्षेत्र के ऊपर चीजों को लिखा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कि पत्रकारों द्वारा सूचनाएं पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए जो है जो कि लिए लेखन जिन विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। मतलब कि जो पत्रकार लोग होते हैं वो सूचनाओं को जो है सो कि पाठकों और दर्शकों और श्रोताओं तक, पाठकों मतलब पढ़ने वाले, दर्शकों मतलब देखने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, तो इन तक जो ये पहुंचाते हैं विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए उसे क्या कहते हैं, पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल है। उल्टा पिरामिड शैली कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी आता है, फिर समापन आ जाता है। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता लेखन की जो है कि प्रथम शर्त क्या होती है। कोई भी एक कविता, एक पोएम लिख रहे हैं तो उसका पहला रूल, पहला शर्त क्या होता है, तो वो होता है शब्दों में मेल जोल होना है। ऐसा नहीं कि एक शब्द दिल्ली के बारे में लिख रहे हैं तो दूसरा अमेरिका के बारे में लिखना है, आपको ऐसा नहीं करना है, शब्दों में मेल जोल होना चाहिए, वही कविता लेखन का सबसे पहला नियम होता है, पहला शर्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि फीचर की कौन सी विशेषता है। तो फीचर की व्यवस्था है सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ। देखिए फीचर क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसा
आंसर देना है। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, उनको नई नई घटनाओं से अवगत कराना और मेन काम होता है फीचर का पाठकों को एंटरटेन करना, ठीक है, उनको वहां पर एंटरटेन करना जो है वो मेन काम होता है फीचर का, ठीक है, मनोरंजित करना। तो यहाँ पर सृजनात्मक सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली, ये तीनों आ जाएगा तो उपरोक्त सही हमारा उपरोक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति से तथ्य राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए पूछे जाने वाले सवालों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर साक्षात्कार कहते हैं। मान लीजिए एक ए नाम का बंदा है जो किसी न्यूज चैनल में काम करता है, ये बी नाम का बंदा है जो किसी न्यूज चैनल में काम करता है, ठीक है, न्यूज चैनल कह रहा कोई बंदा है, जैसे कि आपने नायक मूवी देखा होगा उसके अंदर कैसे सीएम का इंटरव्यू लेते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, सीएम से, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर से। तो उसी तरह से पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए जो यहाँ पर सवाल होते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए पूछे जाने वाले सवालों को क्या कहते हैं, तो साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जैसे आप देखते होंगे कि जो पत्रकार होते हैं वो किसी और से सवाल जवाब पूछते हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है जैसे अक्षय कुमार हो गया, अजय देवगन हो गया, ऐसे लोगों से इंटरव्यू जो होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, एक पत्रकार होता है और किसी अन्य व्यक्ति से, कोई भी फेमस बंदा हो सकता है, उससे क्या करते हैं सवाल जवाब पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में जानते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, मतलब इंटरव्यू लेना कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बारहवां क्वेश्चन कि किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है, तो विशेष लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विशेष लेखन, खास विषय पे होगा यहाँ पर, ठीक है, सामान्य से हटकर लेख लिखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है तेरहवां क्वेश्चन कि संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन जो है वो किया जाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये बीट कहलाता है। जैसे कोई संवाददाता है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई संवाददाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उसका, तो उनका काम का विभाजन कह देंगे मीडिया की भाषा में, इसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, ठीक है। पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, सेंटर पॉइंट किसी भी स्टोरी का क्या होता है, कथानक होता है। क्या होता है बच्चों, कथानक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1936 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो बस बच्चों यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपके पेपर में आ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनको आप कह सकते हैं, इससे पहले भी मैंने सैंपल पेपर के अंदर बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट। सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना, फोड़ के आना। जय हिंद।